Hi guys, it's Pallavi and welcome back to my new video. So guys, आज का ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है उन सभी आर्टिस्ट के लिए जिनको आर्ट मटेरियल पसंद है. एंड गाइज, ऐसा कोई आर्टिस्ट नहीं है जिनको आर्ट मटेरियल नहीं पसंद है. सबको पसंद होता है आर्ट मटेरियल, तो ये वीडियो सबके लिए स्पेशल है. और गाइज, मेरे लिए भी स्पेशल होने वाला है बिकॉज मुझे नहीं पता है कि मैंने कैसे स्टोर करा है इतना सारा आर्ट मटेरियल इन 2 सालों में. सो गाइज, मुझे सारे मीडियम में वर्क करना बहुत पसंद है. जस्ट लाइक मैंने कलर, मुझे बहुत पसंद है, मुझे ऑयल पेस्टल बहुत पसंद है, पेंसिल कलर में भी मैंने वर्क किया है, मैंने पेंसिल से भी वर्क किया है. सो आप सभी को चलो दिखाते हैं कि मेरे पास कौन कौन से पेंसिल्स हैं, कौन कौन से कलर्स हैं, कौन कौन से पेपर्स हैं और कौन कौन से और एक्स्ट्रा आर्ट मटेरियल्स हैं. और गाइज, वीडियो के एंड में मैं आप सभी से बहुत ही एक इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन पूछने वाली हूँ और जो इस वीडियो को पूरा देखेगा वही आंसर दे पाएगा. सो आप लोग वीडियो को पूरा देखो. एंड तो चलो आप सभी को दिखाते हैं कि कौन कौन सा आर्ट मटेरियल मेरे पास है. तो लेट्स गो गाइज. और हाँ, अगर आप सभी इनमें से कोई भी बाय करना चाहते हो तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी हूँ, आप लोग जाके देखकर बाय कर लेना. लेट्स चलो दिखाते हैं कौन कौन सा आर्ट मटेरियल है. सो गाइस, चलो बात करते हैं पेपर्स की जो कि मैं यूज़ करती हूँ, जो कि मेरे पास हैं. तो सबसे पहले गाइस, ज़्यादातर मैं ब्रूस्टो का पेपर यूज़ करती हूँ और मेरे पास सबसे पहला पेपर A3 साइज का है, वो है ब्रूस्टो का 200 GSM पेपर. आप लोग देख सकते हो, इसका मैं यूज़ करती हूँ कमीशन वर्क को बनाने में और बहुत ही रियलिस्टिक ड्राॅइंग्स को बनाने में. और जनरली मैं इसी पेपर का यूज़ करती हूँ हमेशा. और उसके बाद मेरे पास A4 साइज का पेपर है जो कि ब्रूस्टो का ही है और इसका मैं यूज करती हूँ अपने सारे ड्राइंग्स में. सो गाइज, इन दोनों पेपर्स के बाद अगर मैं कोई और पेपर यूज करती हूँ तो दैट इज आइवरी पेपर. और इस पेपर का मैं यूज करती हूँ हमेशा कोई कमीशन वर्क को बनाने में, कोई रियलिस्टिक ड्राइंग्स को बनाने में. और इन बस ये दोनों पेपर का ही मैं यूज करती हूँ. और उसके बाद मेरे पास है कैनवास जो कि मैंने रिसेंटली ही बाय किया है. मेरे को बनाना था कुछ ड्राइंग्स, तो दैट्स वाई मेरे को बहुत मन किया और मैंने बाय किया है. और गाइस, एक ड्राइंग मैंने बना चुकी हूँ कैनवास पर ऑलरेडी गणेश जी का, आप लोग देख लेना जाकर. उसके बाद गाइस, मेरे पास है A5 साइज का टोन पेपर, आप लोग देख सकते हो दैट इज़ ब्रूस्टो आल्सो. और उसके बाद मेरे पास एक डायरी है, छोटा सा स्केच बुक A6 साइज का जो कि मुझे बहुत पसंद है और इसमें मैंने बहुत सारे ड्राॅइंग्स करी हुई हैं ऑलरेडी. सो कुछ इतने पेपर्स हैं जो कि मैं यूज़ करती हूँ हमेशा. और इससे ज़्यादा कोई और दूसरा कोई पेपर नहीं है जो कि मैं यूज़ करती हूँ. एंड नाउ तो बात करते हैं कलर्स की जो कि मुझे हमेशा से बहुत पसंद रहे हैं कलर्स. एंड तो कुछ इतने कलर्स मैं यूज़ करती हूँ गाइज. और इस समय मैंने कुछ कुछ न्यू बाई किया है, दैट वन इज़ ब्रूस्टो एंड पोस्टर कलर गाइज. सबसे पहले बात करते हैं गाइज, ये कैमल ऑयल पेस्टल कलर 50 शेड्स का है जो कि मैंने रिसेंटली ही बाई किया और गाइज का मैंने ड्राइंग में भी यूज़ करा है, आप लोग देखे होंगे. एंड मुझे बहुत पसंद आया, इसका एक्सपीरियंस सच में बहुत अच्छा है. और मैंने फर्स्ट टाइम ड्राइंग किया इसका यूज़ करके और बहुत ही अच्छा ड्रॉ हुआ है. मेरे पास सेकेंड कलर है, वो है सॉफ्ट पेस्टल, सच में बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है और इसका यूज़ करके सच में मुझे बहुत मज़ा आया बिकॉज गाइज, ये फिंगर से ही ब्लेंड हो जाता है ऐसा, तो कलर बहुत ही मैजिकल लगा मुझे. उसके बाद ये है मेरे पास प्लास्टिक कार्यन जो कि मेरी फ्रेंड ने मुझे गिफ्ट दिया है, जिसका मैंने अभी तक यूज़ नहीं करा है, उसके करेंगे जल्द से जल्द इसका यूज़ करेंगे गाइज. और उसके बाद वी हैव दिस ब्रूस्टो एक्रेलिक कलर गाइज जो कि मैंने रिसेंटली ही बाई किया, थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, जस्ट लाइक 400 से ऊपर का ही है, बट बहुत ही अच्छा है इसका क्वालिटी गाइज. एंड नेक्स्ट वन इज़ ब्रूस्टो वाटर कलर जो कि मैंने बाई किया है और मुझे बहुत ही अच्छा लगा इसका इससे वर्क करके. वैसे वाटर कलर में मैंने ज़्यादा वर्क नहीं किया है क्योंकि गाइज वाटर कलर जो कि मेरा वीकेस्ट पोर्सन है उसको मैंने थोड़ा स्ट्रॉन्ग करना है. एंड नेक्स्ट वन दैट इज़ गाइज बॉम्स पेंसिल कलर जो कि मैं हमेशा यूज़ करती हूँ, मुझे बहुत पसंद है. और इस कलर का तो मैं हमेशा यूज़ करती हूँ और मेरे पास 24 शेड्स वाले भी हैं, ये 12 शेड्स के हैं और 24 शेड्स वाला बॉक्स नहीं, दैट्स वाई बॉक्स यहाँ पर नहीं दिख रहा है.
नेक्स्ट वन इज गाइस वैक्स कारियोन 10 रुपये वाले कलर। इस कलर को तो मैं अपने बचपन से यूज़ कर रही हूँ, 1 ग्लास से ही यूज़ कर रही हूँ। और गाइस लगभग मैंने 4 क्लास में ये कलर बाय किया था, डॉम्स ऑयल पेस्टल आप लोग देख सकते हो। और ये मुझे कुछ 36 टाइप का कुछ मिला था। और उसके बाद गाइस आप लोग देख सकते हो ये है कैमल पोस्टर कलर, जो कि 18 शेड्स हैं इसमें और बहुत ही अमेजिंग कलर्स हैं इसमें गाइस। मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा इसका यूज़ करके। और उसके बाद मेरे पास इसी में एक पैलेट मिला था जो एंड। तो अब बात करते हैं कुछ ब्रशेज का जो कि मेरे पास हैं। आप लोग देख सकते हो ये कुछ ब्रशेज हैं जो कि मैंने सेट में बाय किया था। और ये मुझे बहुत ही अच्छा लगता है इसका क्वालिटी, बिकॉज इसका मैं यूज़ करती हूँ हमेशा। जो भी अगर कोई मुझे पेंटिंग बनाना होता है तो इन्हीं ब्रशेज का मैं यूज़ करती हूँ, और कोई दूसरा ब्रशेज मेरे पास नहीं है। और उसके बाद गाइस अब बताते हैं कि मैं कौन कौन सा पेंसिल्स को यूज़ करती हूँ। तो गाइस सबसे पहले बता दूँ तो मैंने इसी पेंसिल से ड्राइंग स्टार्ट किया था जब मैं 2 साल पहले ड्राइंग करना स्टार्ट की थी यूट्यूब पर। तो इस पेंसिल का मैं यूज़ करती थी, बट गाइस इसमें बहुत सारे शेड्स रहते थे, बट मैंने ये पर्सनली 10B पेंसिल के लिए बाई किया है, बिकॉज इसका थोड़ा बिल्ड क्वालिटी बहुत ख़राब होता है, इसीलिए मैं इसका सिर्फ और सिर्फ 10B ही यूज़ करती हूँ और दूसरा कोई पेंसिल नहीं यूज़ करती हूँ इस आर्ट लाइन का। और उसके बाद मैं यूज़ करती हूँ मेरा फेवरेट प्रूस्ट्रो ग्रेफाइट पेंसिल जो कि 12 शेड्स का है। और गाइस मेरे पास ये 2 बॉक्सेस हैं प्रूस्ट्रो के ग्रेफाइट पेंसिल्स का, और इसमें छोटी छोटी पेंसिल्स हैं, इसको मैंने यूज़ कर लिया है, ये थोड़ा ख़त्म हो गया है। एंड नाउ गाइस ये है मेरा फेवरेट पेंसिल। और गाइस मैं बोलूँ तो मेरा सारा पेंसिल्स मेरा फेवरेट ही है। तो गाइस ये रहा फेवर कैस्टल 12 सेट का, मुझे बहुत पसंद है फेवर कैस्टल गाइस, बिकॉज इसका क्वालिटी बहुत ही अच्छा, बिल्ड क्वालिटी खास करके गाइस। इसको मैं यूज़ करती रहती हूँ हर सारे ड्राइंग्स में, मैं इसका यूज़ करती हूँ। और ये मेरा न्यू बॉक्स है, आप लोग देख सकते हो ये है हमारा न्यू बॉक्स और ये पुराना बॉक्स है। तो चलते हैं सबसे महंगे पेंसिल की तरफ, वो है ये स्टेडलर का ग्रेफाइट पेंसिल गाइस, जो कि बहुत ही इसमें से सबसे एक्सपेंसिव यही है 1000 का, और ये 800 का आता है। और गाइस उसके बाद है हमारा रिसेंटली ही जो कि मैंने बाय किया है स्टेडलर का ब्लैक पेंसिल, जो कि गाइस 6 पैक में आता है, और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है इसके साथ मेरा, बिकॉज मैंने फर्स्ट टाइम कोई ब्लैक पेंसिल का यूज़ किया है और सच में बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिला है मुझे। तो दैट्स वाई इसको नेक्स्ट टाइम भी मैं बाय करना सोचूंगी। और बात करते हैं फिक्सिटिव स्प्रे की, तो गाइस अभी तक 2 सालों में मुझे इन 2 ही फिक्सिटिव स्प्रे का यूज़ हो पाया है। फर्स्ट वन अभी तक मैं इसका यूज़ करती थी जो कि अभी ख़त्म होने वाला है, और अभी तक मैं इसका यूज़ करती थी जो कि ख़त्म होने वाला है, तो अब इसका मैं यूज़ करूँगी, ये न्यू वन है। अब मेरे पास एक वार्निश है जो कि मैं यूज़ करती हूँ अपने ड्राइंग्स को सेव करने के लिए, जो कि मैं एक्रेलिक कलर से बनाती हूँ, तो इसका मैं यूज़ करती हूँ। और उसके बाद हमारे पास है एक फेविक्रल एक्रेलिक कलर वाइट कलर का, और क्ले का आर्ट करने के लिए इसको मैंने बाय किया, दैट्स व्हाई। सो नेक्स्ट पार्ट में मेरे पास है ये मास्किंग टेप गाइस, जो कि मैं यूज़ करती हूँ अपने ड्राइंग्स को टेप अप करने के लिए। और उसके बाद मेरे पास है ये फेविकर मोल्डेड क्ले, जो कि मैंने रिसेंटली ही बाय किया है, और इससे मैंने एक शिवलिंग बनाया है बहुत ही क्यूट सा गाइस, और कुछ कुछ बनाया है तो मुझे बहुत पसंद आया क्ले से वर्क करके। उसके बाद मेरे पास है टॉम्बो मोनो 0 इरेजर का ये लीड, इसमें 3 इरेजर थे गाइस, जो कि अभी 1 बच गया है, 2 ख़त्म हो चुका है। ये कलर कौन भूल सकता है, इस कलर को तो हम सभी यूज़ करते हैं बचपन से ही, मैंने भी यूज़ करा है। इतना ही कलर्स था तो मैंने सोचा चलो आपको भी दिखाते हैं। इसके बाद गाइस मेरे पास हैं ये कुछ ब्लेंडिंग टूल्स, जो कि आप लोग देख सकते हो, आप लोग सोच रहे होंगे कि मेकअप ब्रश क्यों रखा है, तो गाइस ये है मेकअप ब्रश, मैंने आपको दिखाने के लिए रखा है कि आप लोग जब बाय करेंगे तो ये 100 का सेट मिलेगा, और उसमें से सिर्फ ये 3 काम के रहेंगे, और बाकी ये वाला भी वाइट वाला भी काम आता है गाइस, बट मैं इसका उतना यूज़ नहीं करती हूँ, और ये आप लोग अपना आईब्रो इससे झाड़ सकते हैं। एंड ये है ब्लेंडिंग स्टाम्प, जो कि मैं यूज़ करती हूँ अपने ड्राइंग्स को ब्लेंड करने के लिए। और उसके बाद गाइस
ये है वाइट जेल पेन जो कि हाईलाइट के लिए यूज़ होता है, आप लोग देख सकते हो। और उसके बाद गाइज हमारी फेवरेट ड्राइंग पेंसिल जो कि ये हैं डॉम्स का, जो कि अभी तक मैं यूज़ की हूँ अपने बचपन से, और इनको मैं फेंकी नहीं हूँ, स्टोर करके रखी हूँ। और ये कुछ इतनी है, आप लोग देख सकते हो, छोटी से छोटी पेंसिल्स मैंने रखा है अभी तक। मेरे पास है एक वाइटनर, और ये है हमारा गाइस ऑयल पेस्टल का ब्लेंडिंग स्टम्प जो कि है कॉटन बर्ड, इसका मैं यूज़ करती हूँ ऑयल पेस्टल कलर को ब्लेंड करने के लिए। एंड तो लास्ट वन इज गाइस हमारा फिर से डॉम्स पेंसिल कलर। आप लोग सोच रहे हो इतना सारा डॉम्स पेंसिल कलर कैसे आप लोग के पास, तो गाइस एक पेंसिल कोई ख़त्म हो जाता है तो हमको न्यू बाय करना पड़ता है, दैट्स वाई इतने सारे स्टोर हो जाते हैं। तो गाइस ये रहा हमारा कुछ कलर, आई थिंक आप सभी को इन सब से बहुत ज़्यादा हेल्प मिली होगी और आपको बहुत पसंद आया होगा। सो गाइज जैसा कि मैंने आप सभी से बोला था कि वीडियो के एंड में एक इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन पूछूंगी, और वो इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन ये है कि गाइज जिस बेड पे मैंने अपना सारा कलर रखा है उसके नीचे जो बेडशीट है उस बेडशीट का कलर क्या है, आप लोग कमेंट करके बताओ। गाइज आई होप कि आप सभी को ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। आज के लिए इतना ही, एंड मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय गाइज।